जय श्री राम। मैं तुम्हारा भाई विकास यादव और आज फिर आया एक एलविश भाई की अपडेट लेके। देखो एलविश ने कुछ करा है नहीं करा ये तो कोर्ट बता देगा, ठीक है। लेकिन जो हमारी देश की मीडिया है ना, उसका रैंक पता है आपको वर्ल्ड में क्या है? 161वां रैंक है। मतलब 195 कंट्रियों में 161वां हमारी तो मीडिया का रैंक है, जो कितना उछलती है। मतलब हमारे देश में जो है ना, किसी को भी जज और लॉयर की, एडवोकेट की, किसी को जरूरत नहीं है। कोई कुछ भी होता है बस मीडिया आ गई, सारा बता देगी कि भाई ये है वो है ये है, वो है, ठीक है। मीडिया क्या बता रही थी इतने दिनों से गाइस, कि एल्विश ने जो है एक्सेप्ट कर लिया कि मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, सांपों की जहर की सप्लाई करता हूँ ये करता हूँ। लेकिन जब एल्विश के पिताजी एल्विश से मिलकर आए तो एल्विश क्या कहते हैं, मैं आपको वीडियो क्लिप भी दिखाऊंगा, चिंता मत करो। ऐसे नहीं कि अपने मुंह से हवा से कह रहा हूँ। तो एल्विश कहता है, पापा जी मैंने जो है कुछ कराई नहीं, मेरे से पुलिस वाले कुछ पूछा भी नहीं, बस मेरे को बुलाया, मेरा मेडिकल कराया और मेरे को अरेस्ट कर लिया, ठीक है। एल्विश का बयान यह है। मेडिकल कराया उन्होंने और भाई सीधा हिरासत में, बस। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि बुलाया था बयान दर्ज करने के लिए और फिर अचानक से, मतलब आप लोगों को अंदाजा भी नहीं लगा एकदम से? नहीं, अगर ऐसा होता तो ये तो आप समझते कौन ऐसे, मतलब अपने सारे पहले तैयारी करके सबके जाता है। अगर ऐसा होता संडे के दिन भी था कहीं, हमें नॉर्मल होना कि बेटा अच्छी तरह अपना जो भी लिखवाना लिखवा ले। और भाई और इंडिया की पुलिस तो कितनी गिरी हुई है मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कैसी कैसी हरकतें करती है, और जो मीडिया, मतलब अपने मन से ही, जज की जरूरत ही नहीं है भाई साहब, मीडिया ही सब बता दे कि कौन क्रिमिनल है, कौन क्या है, कौन कैसा है, कौन क्या है, ठीक है। और रही बात जैसे कि एल्विश भाई की जो है, मैंने बताई थी आपको कि जो बात नशे की है ना गाइस, देखो नशे के ऊपर तो मैं बोल नहीं सकता। और जैसे कि मैंने बताई थी पिछली वीडियो में कि गले में सांप डालने की, तो मैंने आपको बता दिया, आप कहीं भी मंदिर वंदिर चले जाओ, सांप लेके बैठे रहते हैं बाबा, 10 से 20 50 रुपये दो और फोटो खिंचवा लो, ठीक है। क्योंकि उनकी वीडियो क्या वायरल हो रही है, फोटो वाली, तो फोटो के बारे में सबको पता है। आपको जब एल्विश भाई शूटिंग पे गए थे, वीडियो भी आप लोगों ने देखी होगी, वो करीब 7-8 महीने पुरानी वीडियो है। तो फैजलपुरिया भाई के शूटिंग का एक गाना था 32 बोर शायद वो कुछ था ना, तो उसमें आए थे वो सांप, तब सबने वो करी थी वीडियो बनाई थी। तो एल्विश ने 15-20 सेकंड की क्लिप बनाई होगी भाई सांप गले में डाल के, लेकिन फैजलपुरिया के पूरे गाने में सांप है, उनको क्यों नहीं कुछ कहा जा रहा? एल्विश को टारगेट क्यों करा जा रहा है गाइस? देखो एक बात बताता हूँ, जो अभी थोड़े दिन पहले चला था एल्विस और मैस्टन के बीच में जो भसड़ चल रही थी अभी गाइस, तो उस समय भी क्लिप देखो एक बारी, मैं आपको बता देता हूँ कि जो मुनावर फारूक है, जो भी उसका नाम है मुझे नहीं पता, उससे गले मिलने में बहुत बवाल कर दिया गया था कि एल्विस हिंदू शेर बनता है, हिंदू ये बनता है वो बनता है, एक मुसलमान से जाके गले मिल रहा है, ठीक है भाई साहब, बहुत गलत बात है मैं मानता हूँ। तो एक बात बताओ यार, वो जो क्रिकेट मैच था उसका ऑर्गेनाइजर कौन था? उसको ऑर्गेनाइज कराने वाली खुद बीजेपी थी। जब बीजेपी एल्विश और मुनावर फारूक को बुला सकती है वहां पे, तो एल्विश उससे गले नहीं मिल सकता? मैच रखा गया था, जो ऑर्गेनाइज किया गया था वो तो बीजेपी ने, बीजेपी के लीडर ने करवाया था। मतलब बीजेपी के लीडर ने, उसने मुनावर फारूक को भी बुलाया, उसने उन्होंने एल्विश को भी बुलाया, जानबूझकर वो चीजें करवाई गई ताकि एल्विश यादव अगर वहां पर कोई भी हरकत करते हैं तो उसको पूरी तरीके से उस पर ध्यान देना है, फोकस करना है। ये सारा षड्यंत्र जो है क्यों हो रहा है देश में, मैं आपको बता देता हूँ। अभी जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड का जो मुद्दा है, इसको छुपाने के लिए मीडिया जो है एल्विश का फायदा उठा रही है, क्योंकि एल्विश की फेमस, एल्विश बहुत ज्यादा फेमस है आपको पता है। तो मीडिया क्या सोच रही है कि अगर ये न्यूज़ पे चलता रहेगा तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड दिखाने की जरूरत नहीं है, जिससे गवर्नमेंट को घाटा फायदा होगा, मतलब ठीक है। और मैं हमेशा से बोलते आया हूँ, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता गाइस। और एल्विश भाई भले ही बीजेपी के कितने बड़े सपोर्टर है आप सबको पता है, लेकिन एक चीज़ एल्विश भाई हमेशा कहता है कि आप देश की सरकार नहीं बनाते, अपने एरिया की सरकार बना दो, आपके एरिया में जो बढ़िया काम कर रहा है ना, हमेशा उसको वोट दो, ठीक है, उसको मत दो मोदी जी है ये है वो है, जो आपके एरिया में बढ़िया काम कर रहा, चाहे वो किसी भी पार्टी से। एल्विश भाई हमेशा से बात बोलते हुए, और मैं भी इस पार्टी का समर्थन करता हूँ, ठीक है। और रही बात गाइस कि इलेक्ट्रल बॉन्ड हो गया और 371 जो लद्दाख में जो मुद्दा भी इधर उधर जो चल रहा है, उसके लिए जो है मीडिया छुपाने के लिए एल्विश का फायदा उठा रही है। और एल्विश 14 दिन के लिए अभी न्यायिक हिरासत में गए हैं और उनकी बेल अभी नहीं हो पाई है। कारण क्या है, अभी वकीलों की हड़ताल है नोएडा में, ठीक है। और मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आती है, मेनका गांधी जो है जिसने एल्विश पे आरोप लगाया है, मतलब बीजेपी ने क्या करा है? इस कौन का नाम सुना होगा आपने, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। इस कौन ने पूरी दुनिया में मंदिर बना दिया है, पाकिस्तान तक में इस कौन का मंदिर है, पाकिस्तान तक में इस कौन का मंदिर है गाइस, आप चेक कर सकते हैं, रशिया अमेरिका दुबई हर जगह इस कौन के मंदिर है। और वहाँ पर जो है ना, मेनका गांधी ने क्या आरोप लगाया था इस कौन के ऊपर, कि इस्कॉन जो है ना गायों की तस्करी करता है। यारो बहुत बड़ा है, बहुत गंभीर है कि इस्कॉन गायों को कसाइयों को बेच रहा है। मेनका गांधी कोई छोटी मोटी नेता नहीं है, इस समय लोकसभा की सबसे वरिष्ठ सांसद हैं और वो 8 बार लोकसभा का चुनाव जीत चुकी हैं। लेकिन वो इंटरव्यू में इस्कॉन पर इतना गंभीर आरोप लगा रही हैं और कहती हैं कि इस संस्था के द्वारा कसाइयों को गौशाला की गायें बेची जा रही हैं।
लेकिन असलियत क्या है जो बजरंग दल के बारे में आपने सुना होगा। देखो मैं बोलना नहीं चाहता क्योंकि अगर हमें एक दो बंदों के बारे में पता चलता है तो मैं बजरंग दल को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन एक दो बंदे की वजह से पूरा ग्रुप की बदनामी होती है, पूरे सामूहिक जो भी चीज़ होती है उसकी बदनामी होती है। अब जैसे बजरंग दल से भी कुछ बंदे पकड़े गए थे दो, तो उसमें क्या था गाइस, वो गायों की तस्करी कर रहे थे राजस्थान से, शायद वो पकड़े गए थे, ठीक है, गायों की तस्करी करते थे खुद ही बजरंग दल की ऊंची ऊंची पोस्ट पे थे लोग। खुद को गोरक्षक बताने वाले बजरंग दल के कार्यकर्ता ही गोकशी करते पाए गए। मामला उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का है। आरोप है कि बजरंग दल के जिला अध्यक्ष और उनके तीन दोस्त गौहत्या में शामिल है। इस पर भी विडंबना है कि गौ अवशेष मिलने के बाद इन्हीं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया था और कार्रवाई की मांग की थी। और बाकी एलविस ने भी कुछ नहीं कबूला। कबूलेगा कहाँ से यार, कबूलना क्या होता है, जब उसने कुछ करा होगा जब भी तो कबूलेगा ना, इतना तो भरोसा यार आप लोग को भी होगा, ठीक है। और जो मीडिया झूठ झूठ चला रही है एलविस ये एलविस वो, तो उसके पापा उससे मिलकर आए, उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, एलविस ने कुछ नहीं कबूला। और एलविस को पुलिस वाले ने पकड़ा, साइन कराया अरेस्ट वारंट पे और बस जेल में डाल दिया, ठीक है। और ये सब कुछ साजिश है गाइस, ये सब आपको भी पता है मुझे भी पता है, लेकिन कोई बात नहीं, चिंता मत करो एलविस भाई, जल्दी बाइज्जत बरी होके आएंगे बाहर, ठीक है। थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि देश में मतलब ये है ना, किसी को भी कुछ भी डाल दो, ठीक है, इधर की कानून व्यवस्था हमारे देश की इतनी ख़राब है ना, मतलब क्या बोलूँ यार, मतलब सांप की अब जो बात है, देखो जो जहर सप्लाई की बात चल रही ना, तो अगर आपने ऑडियो सुनी होगी जो 4-5 महीने पहले, उसमें क्या था कि वो 20-25 हज़ार रुपये की कुछ बात करते हैं, 7 बंदों की टीम है, 20-25 हज़ार रुपये में बात कर रहे हो सांप सप्लाई करने के, तो मुझे एक बात बताओ यार, पहली बात तो फोटो और वीडियो बनाने की बात हुई थी, वीडियो ऑडियो में साफ रिकॉर्ड था कि आप फोटो वीडियो बना लेना, अगर फिर भी मान के चलो जो बंदा एक पोस्ट डालने के 10 से 15 लाख रुपए लेता है, वो बंदा 20-25 हज़ार रुपये है, 7 बंदों की टीम है, 8वां एलविश हो गया, 9वां राहुल हो गया, 9 बंदे ये हो गए गाइस, तो 9 बंदे में 25 हज़ार रुपये एलविश का कितना कमीशन होगा, 4-5 हज़ार रुपये, 4-5 हज़ार रुपये जो बंदा एक प्रमोशन के कोई भी ऐप के पीछे के 10 से 15 लाख रुपये डिमांड करता है, वो बंदा 4-5 हज़ार रुपये पीछे भागेगा, ये बताओ मेरे को। तो कोई नहीं, अब एलविश भाई भी समझ गए होंगे कि बीजेपी क्या, बीजेपी ये बीजेपी वो, ठीक है, वोट साथ दिया था एलविश भाई ने, ठीक है। पर कोई नहीं गाइस, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि एलविश जो है, एलविश ने कुछ नहीं बोला अभी, ठीक है, उनकी कोर्ट में पेशी हुई थी, अब वकील है एलविश के, बाकी उसके यार दोस्त जितने भी आसपास के सारे लगे हुए हैं। और अभी जो नई अपडेट आई है, विनय जो है, विनय एलविश के दोस्त और एक जना और है कोई, वो जो है उनको भी अरेस्ट कर लिया गया है। भाई मैं बहुत गरीब आदमी और मेरा इनका तो कोई नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, अरेस्ट कर सकते हैं, चार्जशीट डायर होगी, चार्जशीट बनेगी। और वो जो ऑडियो जो वायरल हो रहा था ना, उसके दम पे कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, जो चलने दो, थोड़ा इलेक्शन का समय है, मुद्दा गर्म है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड अभी चल रहा है ना, इलेक्ट्रोल बॉन्ड है, किसान आंदोलन है, 50 चीज़ें, अब मीडिया वो सब दिखाना नहीं चाहता, कैसे दिखाएगा। तो एलविश 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 मीडिया ने अपनी तरफ से बोल दिया एलविश ने कबूल लिया, एलविश तो एलविश नहीं है, वही एलविश कुछ समय पहले इतना फेमस था कि योगी जी मिलने के लिए बुला रहे थे, लेकिन फिर समझ गए कि भाई साहब राजनीतिक पार्टी किसी की सगी नहीं होती, किसी की सगी नहीं होती, तो फायदा उठाती है। तो यार जो जो एलविस का फैन है यार, कमेंट में आके एलविस भाई के लिए सपोर्ट दिखाओ और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर मेरे को बढ़िया से कमेंट करूँगा। तो जैसे मैंने ये खबर दी आपको मैंने कि एलविस ने कुछ अब तक एक्सेप्ट नहीं करा, वैसे ही मैं आपको एलविस से जुड़ी और अंदर की खबर ला के देता रहूँगा, लेकिन आपको उसके चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकन करना पड़ेगा और कमेंट में #ElvisRB जरूर लिखें।